तो और मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल है यार। अब बहुत दिन से तुम्हारे भाई के 30 किल नहीं हो पा रहे थे, तो अपना जो नारा है ना, अब की बार 30 किल पर, वो कुछ दिन से सही शॉट जा नहीं रहा था, लेकिन आज तुम्हारे भाई ने गन उठाई तो रुका ही नहीं। अब तुम लोग वीडियो देखो और बताओ कि क्या स्नैप डेट 3.2 मैं 30 किल पार कर पाऊंगा या फिर नहीं। चीटिंग कोई नहीं करेगा, ठीक है, पीछे जाके मत देखना। अब तुम सबको पता ही होगा कि हमारा एक नया सीजन शुरू हो चुका है बीजमाई के अंदर, C6S17 आई थिंक। और भाई, जितने भी लोग कॉन्करर पे थे, जितने भी लोग प्लैट पे थे, अब सबका टीयर रीसेट हो चुका है और सबके सब आ चुके हैं प्लैट पे। तो मुझे लग रहा था यार कि काफ़ी तबाही मच जाएगी, मतलब अब बंदे हॉट ड्रॉप पे ही आएंगे धमाधम भाई, इंस्टेंट लॉबीज। लेकिन सच बोलूँ ना तो भाई, ये मनुष्य एलियन शिप है ही मनुष्य। चाहे टीयर रीसेट हो जाए, चाहे तुम एज डोमिनेटर पहुंच जाओ, चाहे कॉन्करर पहुंच जाओ, यहाँ भाई क्या ही बताओ, सन्नाटा ही रहता है। एक तो यहाँ पर इतनी एसएमजीज मिलती है, ऐसा लगता है बॉट्स लड़ रहे। अब मैंने कल तुमको दिखाया था कि इस लॉबी का गेम प्ले कैसा गया था। फिलहाल अब तो टीयर ही रीसेट हो गए, देखते हैं क्या सीन रहता है। फिलहाल मैं उतरा था और मेरे 3 किल हो पाए थे और 9 बंदे बच रहे, जिसमें से एक बंदा नीचे। किसी से तो लड़ रहा था जिसको मैंने दल लिया। अब देखो तुम्हारे भाई के 4 किल हुए हैं और अभी भी यहाँ पर कुछ बंदे हैं जिनको मैं ढूंढ ढूंढ के धर लूंगा। आप लोग मेरे को ये बताना तब तक कि क्या आपको ये जो शिप है, स्टारशिप, एलियन शिप, जो भी आप इसे बोलते हो, क्या यहाँ पर आपको फाइट लेने मज़ा आती है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो देखो, अपडेट मुझे अच्छा लगा है, जो रोबोट है, मैग्नेटिक गन है, ये सब मेरे को पसंद आया। लेकिन यार ये हॉट ड्रॉप मेरे को बिल्कुल नहीं भाता भाई। मैं यहाँ से हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि जल्दी जल्दी सबको मार के मेन आइलैंड पे जाऊँ, फिर वहाँ फाइट लूँ, क्योंकि असली मज़ा उधर ही आता है। यहाँ पर भाई बिल्कुल मज़ा नहीं आता फाइट लेने में। यहाँ का जानते हो एक सिंपल सा फंडा है, 3-4 जगह है ऊपर आने की, वहाँ पर कैंप कर लो। अगर तुम्हारी पूरी प्रॉपर स्क्वाड है ना 4 बंदों की, छत कैप्चर कर लो भाई, कोई तुम्हारा बाल बाका नहीं कर पाएगा। और नीचे वालों को तुम आराम से ऊपर से पीक लेके मार सकते हो भाई। बहुत ही टट्टी लेआउट है भाई जगह का। लेकिन अपन को क्या करना, अपन तो सोलो भी स्क्वाड खेलते हैं, हमको कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर मैंने किसी का तो किल चुराया, लेजेंड भाई का, तो अब मेरे हो चुके थे 8 किल। लेकिन यहाँ पर अभी भी बंदे थे, क्योंकि तुम ऊपर देख सकते हो कि 3 बंदे बच रहे हैं। अब यहाँ पर 2 बंदे थे जो रोबोट ले जाने की कोशिश कर रहे थे, बट इनको क्या पता रोबोट तो मेरा है। तो हुआ क्या कि ये दोनों बैठ गए थे रोबोट के अंदर, मैंने ऊपर वाला तो नॉक कर दिया लेकिन नीचे वाला बच गया था। तो भाई मैंने इतने मोले डाले ना कि भाई वहाँ पर लावा फ्लोर बन गया। तो अब ये बंदा भाग रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे भाई उसने अपने टीममेट को रिवाइव कर लिया यार। वेल जो भी हो, मैंने ग्रेनेड मार के फोड़ा और फिर इसको भी तोड़ दिया। तो यहाँ पर 2 बंदे थे और दोनों को मैंने चटका दिया था। अब बारी थी इनको फिनिश करने की। इस अपडेट में जो सबसे अजब फीचर है ना, वो है इमरजेंसी पैराशूट भाई। बहुत ही कमाल की चीज़ है यार, मतलब अब कहीं से भी कूद जाओ, फॉल डैमेज की टेंशन नहीं लेनी पड़ती, ये बहुत अच्छी चीज़ है। मेरे को याद आते हो पुराने दिन भाई, जब मैं गिर गिर के मर जाया करता था बीजमाई नहीं, तब तो पबजी मोबाइल हुआ करता था। अब देखो रोबोट लेके मैं कटने वाला था, लेकिन तब यहाँ पर 2 बंदे आए और अब आए हैं तो भाई मेरे हाथों ही जाएंगे, तो मैंने एक को तो धर लिया। अब बारी उसके टीममेट की थी जो कि रोबोट के पास लूट रहा था। अब सच बताऊं तो पंकज भाई रियल थे या पॉट मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने रोबोट उठाया और यहां से निकल लिया। अब तुम में से काफी सारे लोग मेरे को पूछते हैं, फारूक भाई तो अपने रोबोट का कलर कैसे चेंज कर लेते हो। तो भाई देखो, वैसे तो आपको अलग अलग पेंट जॉब वाले मिल ही जाएंगे रोबोट्स, लेकिन इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जहां पर आप अपने जाके रोबोट का कलर चेंज कर सकते हो अपने मन माफिक। अलग अलग कॉम्बिनेशन भी लगा सकते हो जो आपको पसंद है। फिलहाल मैंने दिखाने के लिए एक छपरी सा कॉम्बिनेशन लगा लिया है। अपन कलर अलर में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते। हाँ, कोई गर्ल गेमर होती तो पिंक करती, वो अलग बात है। फिलहाल देखो, मेरे को चाहिए थे बंदे और मैं भगता हुआ आ गया जॉर्जो के पास, क्योंकि भाई यहाँ पर एक एयर ड्रॉप गिरा था, मैं एयर ड्रॉप के चक्कर में आया था। बट यहाँ पर 2 स्क्वाड्स थी जो आपस में भिड़ी हुई थी। अब मैं इन दोनों स्क्वाड के बीच में घुसना तो नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि मेरे पास रोबोट था तो मैंने एक एयर स्ट्राइक करी जो कि वेस्ट हो गई। अब यहाँ पर अलग अलग डायरेक्शन पे अलग अलग बंदे थे, तो मैं चुपचाप नीचे उतर गया और कोई बंदा दूर से मेरा रोबोट भी तोड़ रहा था, तो इस बात का मेरे को ध्यान रखना था कि भाई भागने के लिए मेरे पास एक व्हीकल रहे।
अब ये भाई साहब तो मेरे को दिख रहे हैं, लेकिन मैं अभी फायर इनके ऊपर कर नहीं रहा हूँ क्योंकि बाकी बंदों की लोकेशन मेरे को उतने अच्छे से पता नहीं है। तो मैंने वेट करा और फिर इसने वही गलती करी जो मैं करवाना चाह रहा था, भाई लूटने आ गया। चार दिया हमने। अब देखो इसके टीममेट जो थे ना वो फैले हुए थे, एक तो पेड़ के पीछे था जिसको मैंने गंदा डैमेज दिया, लेकिन भाई मेरे को डर लग रहा था यार कि मैं नॉक ना हो जाऊं किसी और एंगल से, तो मैंने उसके ऊपर एयर स्ट्राइक करने की सोची, लेकिन मेरे को ये दिख गया। अब भाई ये एयर स्ट्राइक उतने अच्छे से काम नहीं करती अगर सरफेस उबड़ खाबड़ है तो, लेकिन फिर भी इतने सारे रॉकेट्स हैं ना मेरे पास कि तुम बस देखते जाओ इनका इस्तेमाल करके कैसे रुलाऊंगा इनको। अब इनको तो मैंने नॉक फिनिश मार दिया, अब बारी इसके टीममेट की थी, तो मैं वापस से रोबोट में आ गया और भाई थोड़ा और एंगल बना के मैंने फिर से मारा रॉकेट, तो पेड़ के पीछे इसका जो टीममेट छुपा था ना वो भगा क्योंकि उसको पता था वो सेफ नहीं है, और इसी के साथ ये स्पॉट पूरी तरीके से वाइप। भाई अगर तुम रोबोट ले जाते हो ना तो उसका इस्तेमाल ऐसा मतलब क्या बोलूँ एयर स्ट्राइक करने के लिए किया करो, उसको ऐसी जगह रखा करो कि तुम एयर स्ट्राइक कर सको। अब देखो मैं आया था यहाँ पर रिकॉल टावर पे और यहाँ पर भाई गंदी फाइटिंग चल रही थी, मैंने एयर स्ट्राइक करी बट उसमें कोई आया नहीं रेंज में, लेकिन फायरिंग बहुत खतरनाक हो रही थी, उन्होंने मेरे रोबोट के चित्तड़ से धुएं भी निकाल दिए थे, तो मैंने रोबोट को छोड़ दिया क्योंकि भाई ये बहुत जल्दी फटता है, हेल्थ बहुत कम होती है इनकी। अब एक बंदा तो कट लिया, लेकिन मुझे पता था कि यहाँ पर बहुत सारे बंदे हैं तो मेरे को थोड़ा सा हिसाब किताब लगा के ही फाइट लेनी पड़ेगी, तो मैंने यहाँ पर निकाला अपना जेट पैक। गेम के अंदर ये भी बहुत अच्छी चीज़ है यार, जेट पैक बहुत काम आता है। मैंने स्टार्टिंग में सोचा था कि यार ये उतना फास्ट नहीं है, लेकिन मेरे को अभी लगता है कि नहीं है, बैलेंस है, बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड भी नहीं है जैसा वो ड्रैगन बॉल जी के टाइम पे उड़ने वाली एबिलिटी थी, और बहुत ज़्यादा बेकार भी नहीं है कि हम इसे यूज़ ना कर पाएं, बढ़िया है। अब देखो इधर मैं फ्लैंक करके पीछे आ गया था रेड हाउस के, और मैं सोचा था कि छत पे मेरे को बंदे मिलेंगे, लेकिन भाई यहाँ पर एक गाड़ी आ गई। अब भाई ये सो रहा था बंदा, इसको मैंने धर लिया और गाड़ी वाले मेरे पे चढ़ गए। अब यार इनको तो मैं खा गया, लेकिन जिसको मैंने पहले नॉक करा था ना जो प्रोन था वो भी फिनिश हो गया पता नहीं कैसे। वेल जो भी हो अच्छा है, मेरे 19 किलो हो चुके थे और अभी भी 15 बंदे बच रहे थे, तो यार बहुत दिन बाद 3.2 अपडेट के अंदर मेरे को बंदे मिले लॉबी में। फिलहाल अभी रिकॉल टावर पे बंदे थे, स्क्वाड हाउस पे उनका कब्जा था, तो अब मुझे वहां पर जाना था। अब मैंने थोड़ा सा ADS वगैरह लेके देखा, मेरे को कोई दिखा नहीं, मैं कार नहीं ले जाना चाह रहा था तो मैंने अपना जेट पैक निकाला, क्योंकि भाई देखो जेट पैक के फायदे होते हैं, तुम डिस्टेंस भी कवर कर सकते हो और ये वर्टिकलिटी पे भी जाता है तो तुम घरों की छत पे भी चढ़ जाते हो। अब पीछे एक रोबोट भी खड़ा है, ये भी काम आएगा। अब ये मुंबई इंडियंस वाले को तो मैंने नॉक कर दिया, लेकिन भाई स्क्वाड हाउस के अंदर DPS चल रही थी, जिसने भी चलाई थी उसने किल निकाल लिया था, छत पे भयानक स्मोक हो रखा था, तो स्मोक में ऑफकोर्स मेरे को कुछ दिख नहीं रहा था, तो भैया मैंने निकाले अपने मॉलीज क्योंकि तुमको पता है फॉर अब भाई के मॉली जाते हैं तो किल फीड आते हैं। अब मेरे मॉली से एक बंदा नॉक हुआ, उसके पास सेल्फ हीलिंग भी थी, सॉरी सेल्फ हीलिंग बोल रहा हूँ, सेल्फ रिवाइव भी था, लेकिन भाई को मौका ही नहीं मिला, मॉली से फिनिश हो गया। तभी हटा स्मोक और स्मोक हटा तो भाई रिवील हो गए, हील लगा रहे थे, हल लिया इनको। अब स्क्वाड हाउस में जो बंदे थे वो तो खाली हो गए थे, लेकिन वेयरहाउस के अंदर जिस बंदे को मैंने नॉक करा था ना वो फिनिश नहीं हुआ था, उसे किसी ने रिवाइव दे दिया था, तो मैं रोबोट लेके वहां पर गया। चाहता तो जेट पैक से भी चला जाता, छत पे ही जाता, लेकिन रोबोट से क्या होगा कि मैं बनाऊंगा इससे बहुत सारे रेड जोन एयर स्ट्राइक कराऊंगा, जैसे कि मैंने तुमको स्टार्टिंग बताया था कि भैया रोबोट को हमेशा ऐसी जगह पर रखो जहां से तुम रॉकेट दाग सको। अब इस एक रोबोट की वजह से जो बंदा कवर में बैठा है ना इसका जीना हराम है भाई, और एक मेरे वेयरहाउस में है जिसकी फटी पड़ी है मेरे से फाइट लेने में। अब तुम खुद ही देखो, रोबोट छत पे चुपचाप खड़ा है, बार बार रोबोट में आता हूँ रॉकेट चलाता हूँ उतर जाता हूँ, बेचारे को कवर छोड़ के ओपन में भागना पड़ा, इजी नॉक मेरे लिए। अब देखो एक ही बंदा बच रहा था वेयरहाउस में, लेकिन फिर भी मैं एयर स्ट्राइक्स कर रहा था, असल में मैं नॉक वाले बंदे को थोड़ा सा बुली कर रहा था, टॉर्चर कर रहा था ताकि जो बंदा वेयरहाउस में ना उसे बचाने जाए, क्योंकि यार वेयरहाउस वाले बंदे को उसने रिवाइव दिया था और अभी वो नॉक पड़ा है तो उसका हक बनता है कि उसका टीममेट उसे रिवाइव दे, लेकिन भाई वेयरहाउस में जो बंदा है इसकी अलग फटी पड़ी है।
अब यार ये कोशिश भी नहीं कर रहा है पता अपने टीममेट को बचाने की, गाली खा रहा है ये। अबे भाई मेरे को लगा मैंने नेट से फिनिश कर दिया। जेंटल क्लैन तुम्हारे अंदर वो नहीं है क्या बोलते हैं टीम वर्क, एक दूसरे के लिए यार तुम लोग जान नहीं देते हो, गलत बात है, तुमको रिवर्क देना चाहिए अपने टीममेट को। फिलहाल जो भी हो जेंटल कैन का अपना मसला है वो चलता रहेगा, लेकिन मैं यहाँ से निकल रहा था भाई ये ड्रॉप पड़ा था और खुले में गदर मची पड़ी थी भाई गदर। मैं पहुंचा मैंने एक नॉक निकाला और इतने सारे टारगेट है भाई ओपन में, मैं कंफ्यूज हूँ किसको किसको मारूं। अरे भाई मेरे को लगा था बच जाएगा। फिलहाल मैंने अपना एक नॉक फिनिश कर लिया, लेकिन स्मोक के अंदर एक टीम थी जो कि भागने की तैयारी कर रही थी। अब उनका एक और टीममेट उनके साथ आ गया था, तो मैं जानता था कि वहां पर एक गाड़ी लगी पड़ी है, वो निकलेंगे यहाँ से रुकेंगे नहीं, तो मैं फटाफट से उनके ऊपर पुश करने के लिए जेट पैक निकाला और घर की छत पर पहुंच गया। ये जब निकलेंगे तब सेकूंगा मैं इनको आगे से पीछे से दोनों तरफ से। अब यार नेट तो सही था लेकिन गाड़ी से टकरा के आगे चला गया, कोई नहीं M4 काफी है। अब मैंने दो तो उतार दिए थे गाड़ी से लेकिन ड्राइवर निकल गया। अब एक को मैंने फिनिश कर दिया और दूसरा तो नॉक पड़ा ही हुआ है, लेकिन भाई जिस बंदे को मैंने मॉन्स्टर ट्रक से गिराया था ना उसको रिवाइव मिल गया। किसने दिया इसे रिवाइव? अब यार मेरी M4 में गोलियां खत्म हो गई थी तो मैं थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन वो देखो आसमान में एक बंदा उड़ता हुआ गया ना, तो उसने मॉन्स्टर ट्रक वाले को रिवाइव दिया और उड़ के वापस से कंपाउंड पे पहुंच गया। अब मुझे पता था मॉन्स्टर ट्रक पे सिर्फ एक ही बंदा है, तो मैंने फटाफट से गोलियां कलेक्ट करी, मुझे पता था स्मोक हटेगा मॉन्स्टर ट्रक भगेगा। वही हुआ भी, मॉन्स्टर ट्रक वाला तो नॉक नहीं कर पाया मैं, बट मैंने मॉन्स्टर ट्रक की बैंड बजा दी थी तो मॉन्स्टर ट्रक ज्यादा दूर जा नहीं पाया और रुक गया। तो मैंने करा क्या, मैंने निकाला जेट पैक और मॉन्स्टर ट्रक वाला क्योंकि अकेला था मैंने पुश कर दिया इसके ऊपर। अब मैंने इसको नॉक कर दिया और कंपाउंड में हो गई फाइट। वहां पर दो बंदे थे, एक इसका टीममेट और एक वो जो बच के गया था गाड़ी से, तो ये भाई तो खत्म हो गया, इनका टीममेट भी खत्म हो गया। अब वहां पर जो बंदा बचा था ना वो सिर्फ अकेला था, तो अब बारी थी भाई पुश करने की। अब एक बात का ध्यान रखना कि गाड़ी से तीन लोग जा रहे थे, दो मैंने नॉक करे थे, एक यहां पर अभी बच रहे थे, चौथा बंदा मिसिंग है। तो मैंने इसको नॉक करा बट इसके पास सेल्फ रिवाइव किट थी, तो ये अपने आप को सेल्फ रिवाइव करने की कोशिश कर रहा था। अब दिक्कत जानते हो क्या आती है, क्योंकि इसके पास सेल्फ रिवाइव किट है तो ये फिनिश नहीं होगा डायरेक्ट, अगर ये अकेला भी रहता ना तो भी ये नॉक ही होता क्योंकि अपने आप को रिवाइव कर सकता है। तो यार ये पता नहीं लग पाता कि जो एक बंदा और बच रहा है वो इसका टीममेट है या फिर नहीं। फिलहाल मैं उसको देख रहा था कि ये क्या करता है, क्योंकि अगर ये अकेला है ना तो ये कुछ भी करके अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये बचने की कोशिश कर रहा था मेरे से, तो मेरे को लगा कि शायद जो एक और बंदा बच रहा है वो उसका टीममेट है, बट भाई इसको कोई बचाने नहीं आया और ये भाई साहब खत्म हो गए। अब आखिरी बंदे को भाई मैंने कहां कहां नहीं ढूंढा, पीछे तो मैंने पूरा क्लियर कर लिया था, मुझे पता था वो यहीं कहीं होंगे, और आखिर में मैंने स्पॉट कर ही लिया। भाई साहब गिली सूट पहन के छुपे हुए थे झाड़ी के अंदर, टांग दे इनको हवा में पतंग बना दिया कहते ही, और इसी के साथ कहते ही इजी चिकन डिनर।